अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश लेटर साउंड्स जो हम पढ़ते हैं। हमने जो ये लेटर्स हैं ए से लेकर जेड तक, जी, हमने वो कंप्लीट किया है। फिर उसका जो ये मैच द वर्ड्स जो, ये भी हमने कंप्लीट किया है। अब हमें ये पढ़ना है कि आप पेज नंबर 19 पे जाइए, क्लास फर्स्ट पेज नंबर 19 पे जाइए। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है, हमें क्या करना है कि हमें अब रिकॉग्नाइज, अब पहचान होनी चाहिए स्मॉल ए और स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स की पहचान होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो यहाँ तक पढ़ा है सब लेटर्स, स्मॉल लेटर्स भी हमने पढ़ा है और कैपिटल लेटर्स भी हमने पढ़ा है। अब यहाँ हमें क्या करना है कि अब हमें स्मॉल जो लेटर्स दिए गए हैं यहाँ पे, अब उन्हीं के आगे थोड़ा सेंटेंस बना के रखा है उन्होंने। अब हमें यही पढ़ना है आज। तो आप जाइए पेज नंबर 19 पे, आप देख लीजिए यहाँ पे, लेट्स रीड। हमें पढ़ना है स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। आप देख लीजिए कि आपको पहचानना होगा कि ये स्मॉल ए है या कैपिटल ए है। आपको पता है कि आपने पढ़ा होगा कि ये जो छोटा साइज़ का हो उसको हम स्मॉल ए कहते हैं। इसी तरह आप यहाँ पे इसका आगे जो सेंटेंस है और पिक्चर भी दिया गया है सामने। अब आपको देखना है कि स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए ए एप्पल्स ग्रीन एंड रेड, ए ओट्स ऑन द ब्रेड, एप्पल्स ग्रीन एंड रेड ओट्स ऑन द ब्रेड। आप देख लीजिए बच्चों के ग्रीन एंड रेड एप्पल्स, ग्रे, यहाँ पे आप देख लीजिए कलर्स, यहाँ आपको कलर्स को भी पहचान सकते हो आप। यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो हम एप्पल्स खाते हैं यहाँ पे वो ग्रीन भी होते हैं और रेड भी हो। रेड हम लाल को कहते हैं और ग्रीन हम नीला को कहते हैं, सब्ज को कहते हैं, सॉरी, सब्ज को हम कहते हैं नीला, ग्रीन ग्रीन हम सब्ज को कहते हैं। तो एप्पल सब्ज भी होते हैं जब वो उसके दो किस्म दो कलर्स होते हैं, जब वो ठीक से तैयार नहीं होते हैं तो उस वक्त उसके उसका कलर ग्रीन होता है, और उसके बाद जब वो पक जाते हैं ठीक से तो इसका जो कलर रेड आ जाता है। तो व्हाट्स ऑन द ब्रेड, और जो चोटियाँ होती हैं वो कहाँ किस पे होती हैं, ब्रेड पे। जब आप देखते होंगे घर में, जब किसी जगह ब्रेड होता है या कोई मिठाई होती है तो वो व्हाट्स उसके इर्द गिर्द जमा होते हैं। तो बच्चों ये याद आपको ये याद करना होगा, एप्पल्स एप्पल्स ग्रीन एंड रेड व्हाट्स ऑन द ब्रेड। ये लेटर ए से जो ये दो सेंटेंस बनाए गए हैं, लेटर जो सेंटेंस जो स्मॉल लेटर्स हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, यहाँ देख लीजिए कि यहाँ पे स्मॉल है, स्मॉल ए से दो सेंटेंस बनाए गए हैं, एप्पल्स ग्रीन एंड रेड ऑट्स ऑन द ब्रेड, ये आपको याद करना होगा। अब हम क्या देंगे, बी, अब हम स्मॉल बी पे देंगे दो सेंटेंस। यहाँ पे भी बी से भी दो सेंटेंस यहाँ पे बनाए गए हैं, बी 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 बेबी विद अ बॉल बुक्स इन द हॉल, बेबी बी फॉर बेबी विद अ बॉल, उसके पास एक बॉल है। आप देख लीजिए कि यहाँ पे बॉल है, बुक्स इन द हॉल, और यहाँ पे जो किताबें वो किस में है, हॉल में है। अब बच्चों क्या करना है, बी 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 स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, यहाँ पे भी बी बी है, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, बेबी विद अ बॉल बुक्स इन द हॉल। अब आपने बच्चों क्या करना है कि ए लेटर जो हमने पढ़ा है, ए से दो सेंटेंस हमने पढ़ा है और बी से दो सेंटेंस हमने पढ़ा है, आपको क्या करना है कि लिखना है, अपने नोटबुक पे लिखना है और इनको याद करना है। तो अल्लाह हाफिज़।